आईपीएल 2024 से पहले बाहर हुए ये खिलाड़ी, पूरी प्लेइंग 11 ही हो गई बाहर। 22 मार्च से आईपीएल 2024 का आगाज होना है, लेकिन उससे पहले कई टीमों को बड़ा झटका लगा है। कई प्लेयर्स इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं, तो कुछ किसी और कारण से बाहर हो गए। तो उन 11 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जो अब तक आईपीएल से बाहर हो गए हैं। लेकिन क्रिकेट जगत में इंजरी का दौर तो ऐसे चल रहा है जैसे किसी की नजर लग गई हो। सामने क्रम, एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए अख्ताम की तरफ गामजन है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, जिसे वो क्रिकेटिंग दुनिया की सबसे बड़ी लीग करार देते हैं, यानी आईपीएल, वो मसाइल का शिकार होती दिखाई दे रही है। बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार आईपीएल को रिफ्यूज कर दिया है और अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज को बड़े झटके दिए हैं, जबकि काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें भारत के अपने स्टार प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो कि इंजरी के बायस आईपीएल का कोई भी मैच नहीं खेल पाएंगे। भारतीय सारे मामले में ये कहते नजर आ रहे हैं कि आईपीएल को नजर लग गई है, जबकि देखा जाए तो जितने वो कीड़े पीएसएल में निकालने की कोशिश करते रहे हैं, मैच आखिरी बॉल तक जाता था तो ये कहते थे कि ये तो फिक्स मैच है, इस तरह की घटिया बातें करते थे। अब उन्हें कुदरत की तरफ से खुद ही झटके लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी जैसा उनका सीनियर तरीन गेंदबाज इंजर्ड होकर आईपीएल से बाहर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने इंजरी के बायस खेलने से माजरत कर ली है, जबकि मार्क वुड जैसे इंग्लैंड के टॉप के पेसर ने बाकायदा तौर पर खेलने से ही इनकार कर दिया है। जबकि इसके अलावा भी कई ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो आगे चलकर भारतीयों ही की जुबानी आपको बताएंगे कि किन किन वजहों की वजह से आईपीएल से या तो वो माजरत कर चुके हैं या फिर इंजरी के बायस वो नहीं खेल पा रहे। आइए आपको भारतीय मीडिया ही का रोना धोना सुनाते हैं। आईपीएल 2024 से पहले बाहर हुए ये खिलाड़ी, पूरी प्लेइंग 11 ही हो गई बाहर। 22 मार्च से आईपीएल 2024 का आगाज होना है, लेकिन उससे पहले कई टीमों को बड़ा झटका लगा है। कई प्लेयर्स इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं, तो कुछ किसी और कारण से बाहर हो गए हैं। लेकिन क्रिकेट जगत में इंजरी का दौर तो ऐसे चल रहा है जैसे किसी की नजर लग गई हो। इस रिपोर्ट में आपको उस प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी टीम को आईपीएल शुरू होने से पहले ही झटके दे दी है। प्लेइंग 11 इसलिए, आपको उन 11 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जो अब तक आईपीएल से बाहर हो गए हैं, जिनमें कुछ खिलाड़ी पूरे सीजन के लिए तो कुछ शुरुआती कुछ मैचों के लिए बाहर हो गए हैं। चलिए आपको बताते हैं उन सभी खिलाड़ियों के नाम। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शमी की। गुजरात टाइटंस के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इंजरी के चलते आईपीएल 2024 के इस पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। हाल ही में उनकी सफल एंकल सर्जरी हुई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद शमी लगातार क्रिकेट के मैदान से दूर चल रही हैं। उनकी रिकवरी में वक्त लग सकता है, ऐसे में ये गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा झटका है। दूसरे खिलाड़ी हैं मैथ्यू वेड। गुजरात टाइटंस को दूसरा झटका ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड के तौर पर लगा है। मैथ्यू वेड इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के शुरुआती दो मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, वो आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि मैथ्यू वेड 21 से 25 मार्च तक शेफील्ड शील्ड फाइनल का हिस्सा होंगे, जिस वजह से वो शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो गई है। तीसरे खिलाड़ी हैं मार्क वुड। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मार्क वुड भी आईपीएल 2024 के सीजन से पूरी तरह बाहर हो गई है। दरअसल मार्क वुड इंग्लैंड क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसके चलते ईसीबी ने उन्हें आईपीएल खेलने से मना कर दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट चाहती है कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए उनके खिलाड़ी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, ऐसे में उन्होंने ये निर्णय लिया है। आपको बता दें आईपीएल के बाद जून में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, जिसके चलते इस तरह के कदम जो है ईसीबी ने उठाए हैं। चौथे खिलाड़ी है प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा के तौर पर राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से पहले एक बड़ा झटका लगा है। राजस्थान रॉयल्स के इस तेज गेंदबाज का हाल ही में सर्जरी हुआ है और बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा को ठीक होने में 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा के बिना राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के मैदान में उनके बिना उतरना पड़ेगा। देखना होगा इस खिलाड़ी की जगह कौन लेता है। पांचवें खिलाड़ी है जेसन रॉय। कोलकाता नाइट राइडर्स के इस खिलाड़ी ने भी आईपीएल से पहले अपनी टीम को चौंका दिया है। आपको बता दें जेसन रॉय ने पर्सनल रीजन की वजह से आईपीएल 2024 से अपना नाम वापस ले लिया है और उनकी जगह आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिल सॉल्ट को दे दी है। यानी कि आईपीएल 2024 के इस सीजन में आपको जेसन रॉय खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। देखना होगा अब आगे आने वाले आईपीएल के नए सीजन में जेसन रॉय की वापसी होती है या फिर नहीं। छठे खिलाड़ी है गस
एटकिंसन। गज एटकिंसन ने भी आईपीएल 2024 से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण केकेआर को परेशानी उठानी पड़ी है। हालांकि केकेआर ने गज एटकिंसन की जगह दुश्मन था चमीरा को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। गज एटकिंसन के बारे में भी यही खबर है कि T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ईसीबी ने उन्हें आईपीएल खेलने से मना कर दिया है और ईसीबी अपने खिलाड़ियों का वर्कलोड को मैनेज कर रही है। सातवें खिलाड़ी हैं डेवन कॉनवे। आईपीएल 2024 से पहले न्यूजीलैंड के स्टार ओपनर डेवन कॉनवे भी पूरी तरह से इस सीजन से बाहर हो गए हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे बड़ा झटका दिया है। हालांकि ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, उनके अंगूठे में चोट लग गई थी जिस वजह से इस सीजन वो बाहर हो गए हैं। उनके ही नामौजूदगी में सीएसके के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। खैर, देखना होगा सीएसके की नई ओपनिंग जोड़ी क्या होती है। आठवें खिलाड़ी हैं हैरी ब्रूक। आईपीएल 2024 के मिनी ऑप्शन में दिल्ली ने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को 4 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि हैरी ब्रूक ने दिल्ली का साथ छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि हैरी ब्रूक ने आईपीएल शुरू होने से पहले इस सीजन खेलने से मना कर दिया है, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। इससे पहले हैरी ब्रूक ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज से भी अपना नाम वापस ले लिया था। तब उन्होंने निजी कारणों के चलते छुट्टी ले ली थी। तब ब्रूक ने ईसीबी को उन्हें प्राइवेसी देने की मांग की थी और अब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। नवे खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव। खबरों के मुताबिक सूर्य कुमार यादव फिलहाल शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे। मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव इंजरी के बाद आईपीएल में वापसी तो करेंगे, लेकिन अभी तक बीसीसीआई का या फिर उनकी टीम मुंबई की तरफ से कोई खबर सामने नहीं आई है ऑफिशियली कि उनकी वापसी कब तक होगी। ऐसे में शुरुआती कुछ मैचों में सूर्या को मुंबई जरूर मिस करेगी। दसवें खिलाड़ी हैं रॉबिन मिंज। रॉबिन मिंज आईपीएल इतिहास के पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं। गुजरात टाइटंस ने झारखंड के इस खिलाड़ी को अपनी टीम का हिस्सा बनाया था, लेकिन कुछ वक्त पहले रॉबिन मिंज का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि उन्हें चोट बहुत गंभीर नहीं थी तब, लेकिन अभी फिलहाल उनके खेलने पर थोड़ा संशय बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको अंदरूनी चोटें आई हैं, जिस वजह से वो आईपीएल के कुछ मैच मिस कर सकते हैं। 11वें खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में श्रेयस अय्यर को एक बार फिर उनके पीठ के दर्द ने परेशान किया, जिसके चलते वो फील्डिंग करने भी नहीं उतरे थे। अब इस दर्द ने कोलकाता नाइट राइडर्स की चिंता बढ़ा दी है। इन दिनों श्रेयस अय्यर काफी विवादों में भी रहे थे, लेकिन अब आईपीएल के कुछ मैचों में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है। तो ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो इस आईपीएल के सीजन में या तो पूरी तरह बाहर है या फिर कुछ शुरुआती मैचों में इनके खेलने पर संशय बना हुआ है। बहरहाल, आपका इन खिलाड़ियों को लेके क्या कुछ कहना है, आईपीएल 2024 को लेके क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।